We have with us our today's chief guest, Barrister Asaduddin Awaisi Sahab. I wholeheartedly welcome you, sir, for giving your precious time for our inauguration program. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहीन नगर अलैन कॉलोनी से सैयद नूरुद्दीन अली आबिद, चेयरमैन शाहीन मॉडल ग्रुप ऑफ स्कूल, आपसे खिदमत मुखातिब हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए ब्लॉक का इफ्तिताह हुआ शाहीन मॉडल के, जिसमें किंडरगार्टन बच्चों के लिए बहुत ही सहूलत बख्श और तमाम इलाकों में जो है इस तरह की कोई मिसाल नहीं दिखेगी, इतना उसके अंदर सहूलतें रखे हैं हम छोटे छोटे मासूम बच्चों की आसानी और खेल कूद के लिए। ये एक स्कूल का इफ्तिताह हुआ। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुबारक हाथों से। और हमारी एक अरसे से ख्वाहिश थी कि बच्चियों की बिल्डिंग भी अलहदा हो, तो जदीद जो है इमारत को हमने तामीर करवा कर उसमें आराम की और हर किस्म की सहूलतों से मुजयन करके, पानी की सहूलत है और हवा की सहूलत है, और बच्चियों के पढ़ने के लिए इस बड़े बड़े जो है उसमें रैक्स बनाए गए हैं और सीढ़ियों के चढ़ने आसानी के साथ जो है बेहतरीन बनाया गया है। तो ये 3 मंजिला इमारत को बच्चियों के लिए हमने मुख्तस किया है और इंशाल्लाह आज कल से बच्चियां वहां पर पढ़ेंगे और बच्चियां ये मेन ब्रांच में पढ़ेंगे। अल्लाह के फजल से ये 2004 से हमारा शाहीन मॉडल स्कूल चल रहा है और हमारे 7 ब्रांचेस मजीद कायम हुए हैं। इंशाल्लाह आइंदा बरसों में भी अगर अल्लाह ने हयात बख्शी तो आइंदा आगे और काम करने की तवक्को है। मैं जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसन नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बहुत दूर से सफ़र करके डायरेक्ट यहाँ पर आए, उनके साथ हमारे यहाँ के अहमद सादी साहब और अब्दुल्ला सादी साहब चेयरमैन, और यूसुफ पटेल साहब, और अलैन कॉलोनी के इब्तदाई सदर जनाब मुस्तफ़ा साहब, मुस्तफ़ा अली सुफियानी साहब डॉक्टर, और माशाल्लाह से यहाँ के जो है ZPC साबिखा MPTC जनाब मोहम्मद उमर बाम साहब, ये भी हमारे सरपरस्तों में, वो भी तशरीफ़ लाए, और कसीर तादाद में यहाँ जो है बच्चों के पेरेंट्स तशरीफ़ लाए, बच्चियों का और बच्चों का मुजाहरा भी देखा, और काफ़ी दूर तक जो है बच्चों ने इंतज़ार किया और उनकी ये इधर शुरू से वो कोने तक जो है पूरे महल्ले में उनकी सफ़ें थी, और फूलों की बारिश के साथ असदुद्दीन अवैसी से आपको इस्तकबाल करके लाया गया और उनके मुबारक हाथों से इफ्तिताह किया गया। मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी जो है इसी तरह का खिदमत हमारे से अल्लाह ले ले और बच्चों की जो है बिल्कुल लो स्ट्रक्चर फीस पर हम जो काम कर रहे हैं हम इसी तरह इंशाल्लाह काम करेंगे और हर बच्चे को पर्सनल तवज्जो दे के उनकी तालीम का इंतजाम करें। भैया जरा वीडियो अरे आओ जी अरे अजर भाई साहब जरा पीछे हो जा हाथ हाथ हटाइए भाई साहब
और उसके साथ साथ ऊपर के दो फ्लोर गर्ल्स सेक्शन रहेंगे, तो इंशाल्लाह अभी कुछ दिन से गर्ल्स का बिल्कुल बिल्डिंग अलग रहेगी, जिसमें बच्चियों के लिए बहुत सारी सहूलतें, नमाज हॉल है, हर चीज उसमें सहूलत है, दूसरी जगह जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब वही बिल्डिंग में उनको इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज दे दी गई है। नाउ आई रिक्वेस्ट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज थोड़ा पीछे हटो बच्चे, बड़ी खुशी की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह साइंस स्कूल में, साइंस मॉडल हाई स्कूल में आज यहाँ पर किंडरगार्टन का सेक्शन का खिताब मिलाया गया है, और मैं इन तमाम साइन मॉडल स्कूल के जिम्मेदारों को, उसके अकबर साहब को, उनके तमाम भाइयों को, अब से नहीं बल्कि जब मैं पहली मरतबा आज से 30-35 साल पहले उस वक्त के हल्के असम्बली चार मीनार से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मरहूम शायर सालार अहमद ने मुझे टिकट दिया था असम्बली इलेक्शन लड़ने का, तो उस वक्त से मैं इन तमाम भाइयों को, और मुझे इसी तरह याद है कि उस वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक इम्तिहान से गुजर रही थी, और उस वक्त इन तमाम भाइयों ने, मुफ्ती अबरार साहब उनके भाइयों ने मिलकर जो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कश्ती को मजबूत किया, वो मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके वालिद को भी और तमाम इनके घर को, इनके तनवाले को अल्लाह सलामत और आबाद रखें, क्योंकि ना सिर्फ वो बल्कि 9 नंबर मोहम्मद आबाद के पास एक पोलिंग बूथ होता था, आज भी है वहाँ पर, और अक्सर वहाँ पर शरंगेजी और थोड़ी बहुत शरारत की जाती थी, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि ये तमाम भाई वहाँ पर ठहर कर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मजबूती के लिए काम करते थे, काम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी स्कूल की इमारत इन्होंने यहाँ पर तामीर की है, और 200 के करीब तुलबा और तालिबात ने SSC का इम्तिहान लिखा है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि करीब 99% पास परसेंटेज है, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज जो नए ब्लॉक का अफ्तिताह किया गया है, अल्लाह सुभाना व तआला उसमें बरकत देगा अपने फजल से, और इन तमाम लोगों के अल्लाह मुश्किलों को आसान करेगा, क्योंकि ये बड़े मेहनती जज्बाती लोग हैं,
और वो काम और जिम्मेदारी का जिम्मा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको पूरा करते हैं। और ये स्कूल है, जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ से पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने तेलंगाना में डीएससी में तीसरा रैंक उनको हासिल हुआ, तो इससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शाइन मॉडल हाई स्कूल में एक मियारी तालीम का इंतजाम है, कि यहाँ के तलबा और तालिबात अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी में भी उनको एडमिशन मिलता है और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कामयाबी हासिल होती है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, इस्लाम में काफिर दीन का पूरी दुनिया में जो उसके मानने वालों को कहता है कि तुम अगर इस दीन को मानते हो तो इस दीन का तकाजा यह है कि तुम अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता करो, तुम जहालत में अपनी जिंदगी को मत गुजारो, तुम अपनी जिंदगी को अगर बामकसद बनाना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम इस दीन के मानने वाले हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शरीफ है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए अगर किसी को चीन जाना पड़े तो चीन जाए। ये बात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कही थी और मुझे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को अपने रिश्तेदारों को इनको तालीम याफ्ता बनाएं और ख़ास तौर से जो माशरे में बुराइयाँ हैं उससे आप और हम बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी और हम पर जिम्मेदारी आयद होती कि हम अपनी बेटियों को भी इल्म के जेवर से आरास्ता करें, उनको ताकतवर बनाएं। और आज के इस दौर में मैं ये समझता हूँ कि हम किसी को रोक नहीं सकते और अगर हमारी बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं तो ज़रूर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी तालीम को मुकम्मल करवाएं। हमारी बेटियाँ अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं तालीम के ज़रिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम उनको तालीम याफ्ता बनाएं ताकि वो उनके ख्वाब को पूरे कर सकें। और जब उनके ख्वाब पूरे होंगे तालीम के मैदान में तो यकीनन वो हमारी बेटी एक बेहतरीन बीवी बनेगी, एक बेहतरीन माँ बनेगी। और ज़ाहिर है जब घर में एक माँ एक बेटी तालीम याफ्ता होती है तो घर से जहालत के अंधेरे कट जाते हैं, वहाँ पर इल्म की नूर की रोशनियाँ फैलती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस वतन अजीज में अगर मुसलमानों को अपने हुकूक को हासिल करना है, मुसलमानों को अपने मुकाम को हासिल करना है और मुसलमानों को जैसा अंग्रेजी में कहा गया कि डिग्निटी से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है तो सिर्फ जज्बाती नारों से हम इसको हासिल नहीं कर सकेंगे, इसको उसी वक्त हासिल कर सकेंगे जब इस मुसलमानों के एक एक बच्चे और बच्ची को हम लोग तालीम याफ्ता बनाए, चाहे वो मदरसे में उनको आलिम बनाए, फाजिल बनाए, हाफिज बनाए, मुफ्ती बनाए या फिर इस तरह के साइंस मॉडल स्कूल में अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाने के लिए इसमें इसमें स्कूलों में एडमिशन दिलाए। और जिन हजरात को अल्लाह ने दौलत उनको अदा की है उनकी भी जिम्मेदारी है, यकीनन बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो खामोशी से ऐसे कई गरीब खानदान के बच्चों की ना सिर्फ उनकी परवरिश करवाते हैं बल्कि उनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए भी वो उनकी तालीम के एजुकेशन को तालीम को स्पॉन्सर भी करते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। और फिर साथ ही साथ जहाँ पर भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं हमारी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के स्कूल पर भी हम अपने बच्चों को वहाँ स्कूल में एडमिशन दिलाएं। तेलंगाना में एमरिस का मॉडल स्कूल भी है, ऐसे कई ब्रांचेस भी हैं, तो अब हम ये शिकायत नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे इल्म से दूर हो रहे हैं, ये हमारे पास मुश्किल है। यकीनन बहुत गरीबी है, यकीनन बड़े तकालीफ हैं, बहुत से खानदान मखरूज भी हैं और बहुत से खानदान किसी के अपने वालिद या अपने शोहर के या माँ के बीमार होने के बाद अस्पताल में जो अखराजात हो जाते हैं उससे मखरूज हो जाते हैं, इससे एक असर पड़ता है बच्चों की तालीम पर। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए अपने बच्चों की तालीम के लिए हम तमाम को मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से मिलकर काम करना है, इस मुल्क में हमको एक इनकलाब को बर्पा करना है
अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा इस्तेसाल ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां पूरा हिजाब पहनकर अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, तो यकीनन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कितने 20 साल पहले स्कूल जब खोला गया था तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी होगी, और मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला ने स्कूल के जिम्मेदारों को इस्तेकामत दिया, अल्लाह सुबहाना व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके ईमान को मजबूत रखा, उनके यकीन को अल्लाह ने मजबूत किया, और जो जो ख्वाब देखकर स्कूल को कायम किए थे आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी इमारत यहाँ पर तामीर की गई है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते, जिनके पास दिल में कड़क नहीं होता, जिनके पास इखलास नहीं होता, वो सिर्फ उंगलियां उठाते हैं और शिकायतें करते हैं और इल्जाम लगाते हैं। मगर इस तरह के स्कूल की बिल्डिंग आप देखिए कि बड़ी मुश्किलों से नहीं मालूम स्कूल की बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए यहाँ के जिम्मेदारों को क्या क्या कुर्बानी देना पड़ा, कितने मुश्किल का सामना करना पड़ा, कितनी रातों की नींद उन्होंने स्कूल की तामीर के लिए खोई होगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला मुसव्विर अस्बाब है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ने इतनी बड़ी इमारत को यहाँ पर कायम भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2002-2004 से आज हम 2024 में आ चुके हैं, और 7 ब्रांचेस में करीब 4,000 से ज्यादा तुलबा और तालिबात स्कूल में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम की जानिब से, अपनी जानिब से, यहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से शाइन मॉडल स्कूल को और हमारे भाई मुफ्ती अबरार साहब को उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज किंडर गार्डन का सेक्शन इफ्तिताह किया गया है, और मुफ्ती अबरार से कह रहा हूँ कि अभी भी मुकर्रा वाकई आपका उसको पूरा नहीं है, अभी नहीं आप ऐसा नहीं होता, उसके लिए स्पेशल इंतजाम करिए। तुम्हारा वो अलग हमारी बात है, तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा दिल्ली से एयरपोर्ट से निकल कर यहाँ पर आया हूँ, मुफ्ती अबरार साहब फैसला था कि मैं यहाँ पर आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आया हूँ, और यकीन जानिए बड़ी खुशी महसूस होती है मुफ्ती अबरार साहब उनके तमाम भाइयों को देख कर, और खुशी इस बात से भी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नफ्सा नफ्सी के दौर में भी अल्लाह ने इन भाइयों में एक अजीब मोहब्बत रखी है, और इनके तमाम लोग इतने मोहब्बत से इखलास से रहते हैं, अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को बरकरार रखे, और अल्लाह इनके जो नेक मकासिद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके ऊपर में उसको अल्लाह पूरा करे।